हीरा फ्रेम में आओगे तो मुंडी काट दूंगा, ध्यान रखना। ये मोबाइल, अरे बीच में मोबाइल कौन है ऊपर उधर? सारे मीडिया वाले बुलाए थे, कसाई को मेरी मुंडी को काट, इसकी तो मुंडी काटो। लाइट नया शो कदस का, हम सब पागल हो गए इसमें। तो कोई और क्या कर सकते हैं, बता देते हैं आगे वो लाइट के पीछे चले गए। लेकिन लाइट होना चाहिए, और ये पहला ऐसा शो है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी करवा सकता है और आपको करना पड़ेगा वरना सजा मिलती है। तो शो क्या है और कैसा है उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो हमने अभी अभी एक चीज सोची है कि अगर ये आपको आगे देखना है तो आपको 11 तारीख को शाम 6 बजे टीवी चालू करना पड़ेगा कलर्स चैनल पर, जहां ये वाला एपिसोड आने वाला है और विकास गुप्ता जी ने क्या क्या किया हुआ है और क्या क्या करवाया है हमने, वो आपको वहां पता चलेगा। मैं भारती से पूछना चाहूँ, कैसा लगा भारती, कैसा लगा मतलब अभी जितना शूट किया है? तो मुझे, मेरे पति मुझे ये घर में भी बात पूछ सकते थे, इतने लोगों के सामने क्यों पूछा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में यार जो मन की बातें थी वो सामने मुंह पे बोल रहे हैं हम, और उस चीज के पैसे मिल रहे हैं, तो वो ज्यादा चीज अच्छी लगती है। विकास भाई जैसे वो लास्ट लाइन थी कि हमने उनके कान में बोला, बहुत सारे बच्चे थे सामने, हमने बोला आप उनको बोलो कि मैं विकास गुप्ता हूँ, टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा तुक्का। तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैंने 20 साल स्ट्रगल किया है, 19 साल स्ट्रगल किया और 1 साल बिग बॉस। सो बच्चे ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है भाई, क्योंकि हमने उनके कान में एयरफोन लगाए थे, उनको पता नहीं था क्या हम बोल रहे हैं। फिर भाई अपनी सॉक्स उतार लो, किसी बच्चे के मुंह पे लगाओ, तो वो सामने वाले को पता ही नहीं चलता, वो सोचते कि टीवी पे तो ठीक दिखते, असल में पागल। और बताऊं सबसे ज्यादा वीक हो गई हो गया, तो जितने भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, मैं प्रोड्यूसर हूं, तो किस तरह से देखोगे आपके, बिल्कुल वैसे ही हर एक इंसान जो यहाँ खड़ा हुआ है उसकी जो कमजोरी भापते हैं ना चैनल वाले, और वो फिर सिचुएशन बनाते हैं, फिर सिचुएशन में डालते हैं कि हाथ लगे प्रॉपर तरीके से। बहुत गैवी अनीता के साथ बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल अनीता भाई ट्रिक क्या करवाओगे? मैं कहा अनीता जब प्रैंक करेंगे तब देखना, जो यहाँ थी ना यहाँ ना आ गया ना, तो फिर कहना वो अनीता। वैसे भी मैंने बहुत काम किया, बहुत भूली है, क्योंकि जब हमारे साथ कॉमेडी नाइट्स बचाओ भी करती थी तो उसको पंच बताना पड़ता था कि इसका क्या मतलब होता है, ओ ये नहीं नहीं नहीं। सो इसने बहुत भयंकर शो किया हमारे साथ बचाओ, जिसमें सामने वाले की मतलब रोस्ट करते थे हम उनको। तो अनीता ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना, ये खतरा 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 है। मोबाइल नीचे। हाँ जी मोबाइल के ही हम मोबाइल कह रहे थे, मोबाइल बना सकते तो सेल्फी ले। सो अभी बहुत शांत जो खड़े हैं भाई, ये क्या एक्टर है, फिल्में ही उन्होंने जब जल्दबाजी में की थी वहां ठीक नहीं कर पाए, लेकिन प्रैंक क्या किए हैं, मतलब आप जब देखोगे आपको तब पता चलेगा। भाई बताओ जरा। जी मैं यही बताने के लिए आया था कि मेरे लेफ्ट में जो एक इंसान है जिसका नाम है हर्ष लिंबाचिया, इसको मैं दोस्त समझता था, फिर इसने मुझे एक प्रैंक में भेजा, मुझसे जमीन चटवाई, एक बहुत खूबसूरत लड़की के सामने जो मेरे मैनेजर बन के आई थी, मेरे घुटनों पे चला के कुत्ता बनाया और क्या क्या नहीं करना है, बाकी सारी डिटेल्स मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि मेरे सारे दोस्तों ने इतनी अच्छी दोस्ती निभाई है, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई है। बिल्कुल आपने करवाया है भाई, अब तक नहीं किया था, इस शो पे आने के बाद विकास ने नाम रोशन करवाया है। सो थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू रिधिमा, थैंक यू अली, थैंक यू भारती। और नहीं पर जेन्युइनली बहुत मजा आया, ये एक ऐसा शो है जहाँ पर एक्चुअली कोई फॉर्मेट नहीं है ना, कोई लाइंस नहीं है, सुबह सुबह उठ के कोई 4-5 पेज की स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी होती है, बस कानों में एक ब्लूटूथ ईयरफोन डाल दिया जाता है और जंप पे भेज दिया जाता है, और फिर जो हमारे 5 घनिष्ठ मित्र हैं वो हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो हमें फॉलो करना होता है, और इंस्ट्रक्शंस वो होते हैं जो उनके मन में आए, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं,
हर कोई जिसका भी प्रैंक होता है ना उसे एक दिन पहले एक रात तक भाई तू कैसा है सो गया आराम से नहीं सो गया इतना स्कैरी हो जाता है बट आई थिंक हर्ष हैज क्रैक्ड सच एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज जब हम एक कर भी रहे होते हैं ना इतनी एक्साइटमेंट होती है और अभी हम लोग शूट कर रहे थे आई थिंक परसों की तरह और यूजली आप 12 आवर शूट करते हो उस समय आई थिंक 22 आवर शूट किया होगा Yeah, we did. And if you understand, every single person did not want to move from there because the amount of energy, the craziness was that was there on the set, on the studio. That's what I think is the most exciting thing about the show. Now we will want to see what you didn't see. Take a photo first, crop top. रिधिमा आप क्या कहेंगी क्योंकि रिधिमा बेचारी इतनी प्यारी है खतरों की रानी में मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई क्योंकि इनको था कि ये पहले एपिसोड में बाहर है मैंने बोला पगली तीसरे के बाद बाहर जाते हैं तो उसको लगा कि पहले के बाद चली जाएगी सो हर एपिसोड में आज जा रही हूँ आज मैं आउट हो जाऊंगी वैसे नहीं होगा भारती में होकर आती थी और आज हमारे साथ इस टीम में भी है सो कैसा एक्सपीरियंस है आपका खतरा 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 का बिना एक्चुअली ज्यादा टाइम लिए मैं कहना चाहूंगी हर शो की स्टार जहाँ पर अगर भारती वहां पर किसी और का कुछ चांस ही नहीं होता लेकिन इस शो के असली स्टार है हर्ष योगाचार्य पूरा ब्रेन चाइल्ड हर्ष का है खतरा खतरा लिखा है हर्ष ने और भारती भी आई थिंक इननेट ह्यूमर तो है लेकिन रियल जो भारती की बैकबोन है वो भी हर्ष एंड हर्ष हमारे कान में इतनी हमेशा चीजें बोलते रहते हैं दिस शो इज और बचपन की यादें ताजा हो रही है जैसे कि मैं बकरा देखा करती हूँ छुपा रुस्तम करके एक शो आता था ये शो जो आपको लास्ट में परेशान करके लोग बोलते हैं आप कैमरा पर है बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर और जो मैं हूँ नहीं उसका एकदम ऑपोजिट बताते हैं यानी कि बहुत इंटेलिजेंट बता रहे मुझे आजकल आप लोग और जब प्रैंक हो जाता है जिसके साथ हम करते हैं हमने उसके हाथ भी ऐसे कांपते देखे ऐसे करते देखे फिर जब हम सब लोग चले जाते हैं तो वो खुश हो जाता है कि अरे सारे टीवी वाले आ गए फिर हम सेल्फी वेल्फी लेते हैं उसको शांत करते हैं थोड़ा और अक्सर हम प्लान हमारा ग्रुप बना हुआ खतरों के खिलाड़ी के सारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं यार आज मिलते हैं आज मिलते हैं ये शो लगता है हमने मिलने के लिए बनाया है अली हमेशा जैस्मिन मैं सब बोलते हैं अरे मिलते हैं डिनर करते हैं तो ये अभी शो आ गया जिसमें हम रोज मिलेंगे क्यों तुम भी बोलो ना ऐसा बड़े वाले को बोलने देना चाहिए भाई एक ही बात बोलूंगा मैं मुझे प्रैंक करने में बहुत मजा आता है वैसे भी रियल लाइफ में और अगर प्रैंक करने के पैसे होते तो क्या बोल रहे हो थैंक यू यार हर्ष मुझे भी इसका पार्ट बनाने के लिए एंड आई थिंक इन लोगों के साथ दोबारा काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी जब ऑनलाइन देख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी तो बहुत अजीब लग रहा था कि यार अचानक से सब दूर हो गए एंड सडनली हम सब साथ में हैं एंड अनीता जिसके साथ मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट हर शो में हम साथ होते हैं एंड इसमें भी हैं तो यस तो नागिन ने भी साथ दिया ये हो नाउ दिस सो आई एम सो एक्साइटेड यस सारे सुपर शो किए हैं तो ये अगर ये नहीं चला तो इन दोनों में नाम आएगा और खतरों में अनीता थी अगर आपने एपिसोड देखा होगा नहीं नहीं हमारे सीजन में थी नागिन थी वहां पर हमने नाम रखा था ये वाली अनीता है और ये वाली सुरभि है हर एपिसोड में आती थी खेलने के लिए अनीता की वो ज्यादा फनकार वाली थी सो थैंक यू गाइस एंड थैंक यू कलर्स कि इतना बड़ा शो देने के लिए हर्ष को ट्रस्ट किया क्योंकि आजकल जितने भी यंग नए लोग होते हैं उन पे थोड़ा लोग कम ट्रस्ट करते हैं और मैं बताना चाहूँ अक्सर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सारे एक्टर खड़े होते हैं तो प्रोड्यूसर खड़े होते हैं जैसे कि हर्ष ने हमारी जो कंपनी प्रोडक्शन हाउस है एचटी एंटरटेनमेंट उसने सारा क्रिएटिव किया है और मेरे पति ने बहुत मेहनत की है नई नई शादी हुई फिर भी 5 बजे घर आते हैं जब लाइट जलती है लेकिन वो खुशी होती है कि यस काम करके आए हैं और मैं बता दूँ कि इस टीम में जितने भी लोग हैं सब यंग हैं कोई आप अंकल जी नहीं देखोगे बिल्कुल और बहुत कम लोग खुद फोटो खिंचवा के चले जाते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर्टिस्ट उन लोगों को चांस ही नहीं मिलता कभी आने का बट हम जितने भी हमारे टीम में लोग हैं सब यंग हैं सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब यहाँ पे आ जाओ अक्षय कोस्टल अंकित अंकित ऋषभ आप आ जाइए प्लीज आप देखिए सारे बच्चे हैं कोई 18 साल का कोई 19 साल का अभी
तीन साल पहले पोलियो ड्रॉप छोड़े सबने। ऋषभ आ गए, ऋषभ ये, और इस लड़के को ऐसे टॉच किया है रिधिमा ने, हाथ पे किस करने बोला था, इसने अपने हाथ पे किस कर ली थी, लेकिन आज मैं चाहता हूँ मीडिया के सामने रिधिमा फिर से एक बार मना करे कि मेरे से नहीं होगा ये। सो गाइस, ये हमारी बैकबोन है, ऐसा नहीं कि हर्ष का ये दिमाग है, ये दिमाग इन चारों पांचों लोगों का है, तभी ये शो बना है। और बड़ी प्यारी टीम है, मतलब मैं इनकी दीदी दीदी ये कर लो, दीदी वो कर लो, मैं इनके खाने पीने का ध्यान रखती रहती हूँ ऑफिस में, है ना। क्वेश्चन आज बोलो, सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ बैठी मीडिया की। ये हमारी जोमेटो दीदी है, जब भी हम काम कर रहे होते हैं दीदी जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर कर देती है, खुद ही पूछ के या खुद बना देती है, गोभी का पराठा बहुत कमाल बनाते हो। नहीं नहीं, सबको खिलाती है, सब खाते हैं साथ में। थैंक यू क्वेश्चन, थैंक यू। ये बहुत छोटा लड़का है हमारी टीम में, लेकिन दिमाग इसका बहुत बड़ा है, नहीं मतलब ऐसे बुद्धू नहीं है, मतलब लिखने में बहुत अच्छा है। और ये अक्षय है हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर, ये मतलब कल मैंने इनको देखा कुर्सी में बैठे बैठे बात करते और आंखें बंद हो रही थी, सो मुझे तरस भी आया, लेकिन एक खुशी भी होती है कि यस, ये जो आंखें बंद हो रही है, ये काम करके काम मेहनत की थकावट है। सो अक्षय आप बताओ, इतने सुंदर लड़कियों के साथ काम करके कैसा लगा? हम मतलब थोड़े अच्छी तरह समझ जाते हैं कि थोड़े पागल हैं। नहीं, ये वो सारे ही टीम हमारी, जितनी भी टीम है, विकास सर, रिधिमा, भारती मैम, आदित्या, अनिता, हर्ष भाई, हमें ऐसा लगता है कि ये लोग भी एक तरह से राइटर्स ही हैं। एक बार ही बोलो, एक बार ही में चीज समझ जाते हैं, जैसे कान वाली बात है, हम कुछ भी बोलते हैं, हम सब लोग कान में, एक इनके कान में पक 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 पक, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि अरे यार हो एपिसोड्स में। थैंक यू अक्षय, और जितने भी हमारे राइटर हैं उसमें से सबसे पढ़े लिखे राइटर जिनको इंग्लिश आती है यही है। No, we had fun on the show. this is a new format, so फिर बहुत मजा आ रहा था लिखने के लिए भी, and all these artists are very receptive, so फिर इसलिए it was a lot of fun. Thanks, thank you, Vaj bhai. Actually, Colors ने उनको book भी किया कि जिस दिन Big Boss वाली आवाज वो बीमार होंगे तो उसकी जगह ये जाएंगे। ये देखिए, इनकी छाती के आगे से जोर से हवा भी निकल जाए ना तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये भी बड़ा रंग, मतलब यंग राइटर है, और लेकिन बहुत इनका भी बहुत कड़क दिमाग है, तो जो सबने बोला है आप ही बोलो, लेकिन थोड़ा बोलिए। थैंक यू, आज खा के निकल जाऊंगा बस। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप हमेशा जब भी हमारा कोई शो होता है आप आते हो, अच्छा अच्छा छापते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा ये शो, चुप कर मैं बोलूंगा। अभी अभी वापस हमने कुछ सोचा है, वाईफाई चल पड़ा है, और अगर ये नहीं अच्छे से चला तो हमारी गलती नहीं, वो चैनल वाली लड़की खड़ी है बड़ी बड़ी बालियां डाल के, उसकी गलती है। आ जाइए, देखिए आ जाइए कि सबसे ज्यादा कौशल बहुत खुश है, ये मेरे मैनेजर हैं, बहुत खुश है कि अरे और मैडम का काम चलेगा, परसेंटेज बढ़ेगी। ये बैठे हैं जिन्होंने सबसे भयंकर टी शर्ट पहनी है, जो डिजाइन ही नहीं समझ आ रहा, कौशल एक बार दिखाओ, पूरा मीडिया जानना चाहता है ये कौन सा डिजाइन है। ये थोड़ी अलग है, जिस दिन ज्यादा गर्मी होती है उसमें मोटी टी शर्ट पहनते हैं, और जिस दिन ठंड होती है पतली सी टी शर्ट, तो पता नहीं मुझे, मैं इसको पागल कर देती हूँ, ये ऐसा ही है या फिर। सो थैंक यू सो मच गाइस, हम ऐसे ही हंसी मजाक में ही ये शो बन गया, और इतने बड़े बड़े फेस इस शो में जुड़े हैं, सो होप सो कि आप सबका बहुत प्यार मिलेगा। 11 तारीख से 11 मार्च से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे, वैसे तो जितना अच्छा ये शो है ये 9 बजे का स्लॉट होना चाहिए था, लेकिन 6 बजे के स्लॉट में हम इतना अच्छा करेंगे कि चैनल खतरों के खिलाड़ी का फिनाले करके हमारा ये डाल देगा। अगला सीजन 9 बजे। अरे नहीं नहीं, 6 बजे का स्लॉट इतना गर्म हो जाएगा कि बाकी सब कॉम्पिटिशन में 6 बजे डालेंगे, क्योंकि वहां सब देखने हमारे पास हमारी टीआरपी की टीम है। अभी 8 बजे कर दो, क्योंकि 9 बजे इनका राइजिंग स्टार है ना। अच्छा हाँ। तो अभी इन्होंने पीछे से बोला मेरे राइजिंग स्टार का क्या होगा, सो कोई बात नहीं, अभी होने वाला था। बहुत सारी बातें होगी भारती, मैं एंड में इतना ही कहना चाहूंगा कि शो काफी सिंपल है, रिधिमा के ऊपर सिंपल है। जब भी हम शो शुरू करते हैं कि आपको शो समझाते हैं, शो बहुत सिंपल है, रिधिमा के मुंह में पिंपल, तो ये ऐसे कर करके पूरी टैगलाइन ये है,
और बेचारी ने पिंपल ठीक भी कर लिया है। एग्जैक्टली मेरा पिंपल आकर ऑलमोस्ट चला भी गया, मैं आगे क्या करूं? शूट 3 घंटे रोकी थी पिंपल की वजह से, इसलिए फैलाना बंद कीजिए गुप्ता जी, आपका मेरा झगड़ा फिर से शुरू। अरे ये बिग बॉस नहीं है, हंसी वाला शो है। तो थैंक यू सो मच गाइस, सोशल में आए हैं, ड्रिंक्स लीजिए, मतलब पीने वाले रे मीठे मीठे ड्रिंक और थोड़ी दूसरे, और खाइए पिए और फिर आइए इंटरव्यू करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? पहले इंटरव्यू पहले खाना। हाय हाय, बहुत लंबा हो गया है ना। नहीं, गोरा हाथ आया। टैटू जनरली जो होता है लोग अपनी महबूबा का नाम टैटू कराते हैं, ये भाई साहब ने क्या किया देखिए, विकास का नाम लिखवाया और ये असल टैटू है, ये एक्चुअल असल टैटू है। हर्ष भाई नहीं दिख रहा है क्या कहना? अब शो का प्रोड्यूसर मैं हूँ तो किसी को रिक्वेस्ट करना, अरे भाई करवा लो करवा लो, मैं कहा लिख दो यार क्या होता है, मेरी कौन सी जगह का रेंट आ रहा था यार, ठीक है झूठा एक नंबर का आ रहा है वो, इसलिए सजा मिलती है, इतनी खतरनाक सजा है यहाँ पर। भाई वो हारा है, मेरी तो लाइफ खराब हो गई ना क्योंकि कल वैसे करके गले लगी, मैंने चलो आज मूड है पपिया का देखा तो विकास मेरा मूड खराब हो गया, मैंने बोला रह गया पीछे जाए ऐसे वाला हो गया थोड़ा, ये अभी सारी उम्र विकास ही रह गए हैं, बस भगवान करे जल्दी हमारे घर बेटा या बेटी हो, जो भी हो हम उसका नाम विकास रख देंगे ताकि थोड़ी बात नहीं थी। और मैंने 3,000 फुल स्लीव शर्ट्स का ऑर्डर किया बिकॉज़ जिंदगी भर वही पहननी पड़ेगी। अरे नहीं बच्चा जल्दी होने वाला, कैसे बता? नहीं नहीं ये पिछले 11 साल से पेट ऐसा ही है भाई, मीडिया को लगता अब हुआ अब हुआ अब हुआ, ये होता ही नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी होने वाला है। इससे हम कोई दूसरी जो सेंसर ना कर सके वो बोल दे, थैंक यू सो मच, ड्रिंक पीजिए खाइए और नमस्ते, थैंक यू इंटरव्यू। अच्छा,